महारानी लक्ष्मीबाई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेकर सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करें। स्थान तालापुरा ललितपुर। एक ओर शिवराज सिंह चौहान की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है और सक्षम बनाने के लिए भी काम किए जा रहे हैं, तो वहीं एक मामला है जतारा थाने से सामने आया है, जहां पीड़ित महिला द्वारा थाना प्रभारी सहित 3 सिपाहियों पर रात्रि में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगाए और महिला वर्तमान में जिला अस्पताल में अपना उपचार करा रही है। महिला आज SP ऑफिस ज्ञापन देने पहुंची। बताया गया कि पुलिस उसके पुत्र की तलाश के लिए और बेटी की जानकारी मांगी गई। उनके द्वारा बताया गया कि बेटा घर पर नहीं है, आएगा तो थाने लेकर आ जाएंगे। इसके 2 घंटे बाद फिर से पुलिस आई और घर में घुसकर मारपीट करने लगी, जिसमें महिला को चोट आने के कारण अपना इलाज जिला अस्पताल में करा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले में DSP प्रिया सिंधी ने बताया कि महिला के पुत्र पर लूट के आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जाँच जतारा पुलिस द्वारा की जा रही है और जो महिला द्वारा आवेदन दिया गया है इसकी जांच की जाएगी। जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ से सत्तार खान की रिपोर्ट। मैं आपका कहाँ कहाँ की हैं आप, क्या मामला हो गया यार? किसने मारा? उससे पूछना चाहेंगे, मामला जतारा से जहाँ महिला ने आरोप लगाए तो पुलिस वालों द्वारा सब मारपीट की गई रात में घर में घुसकर, क्या मामला है? सरोज सेन निवासी जतारा द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है। उसका लड़का है तरुण सेन, जो कि पलेरा थाने में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है 348 392 506 में, जिसमें उसके लड़के का नाम है और ऐसे एक नागर फैमिली है बदौर की, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। 31/3/23 को वो वापस वहाँ से लौट गई थी, तो उनके साथ भी लोगों द्वारा लगभग 40,000 के आसपास की कुछ लूट हुई है उनके साथ, तो उसी आवेदन पर जांच चल रही थी और इस लड़के से भी पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा पूछा गया है, क्योंकि तो उसका नाम उसी में आया है, उसके साथियों द्वारा उसका नाम बताया गया है। तो मैम, पुलिस क्या रात में घर में गई थी कि महिला की मारपीट की आरोप लगाए गए हैं, ये क्या है? सरोज सेन निवासी जतारा द्वारा एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्वयं के साथ मारपीट का उल्लेख किया है और हमारे SP महोदय के संज्ञान में भी ये बात आई है, तो जांच चल रही है जैसे ही।